कैसे हैं आप? तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूं और आपसे बात करूंगी 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए निकली है ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, और ये निकाली है BSF ने, और ये BSF की सबसे बड़ी भर्ती है, और जो टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं वो है 431। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम जो भी आपके साथ बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, वो हम सीधा रोजर समाचार से लेकर आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों मैं हूं संजना, और मैं आपसे अब बात करूंगी पूरी डिटेल में इस वीडियो में BSF की सबसे बड़ी भर्ती की। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आखिरी तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अब हम आगे बात करने वाले हैं डिटेल में पुलिस की पांच बड़ी भर्ती की, जो कि BSF ने निकाली है यहाँ पे पांच पोस्ट, और जो कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट वैकेंसी है, और इंडिया बेसिस पे कहीं से भी, यानी कि ऑल इंडिया बेसिस पे कहीं के से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। तो चलिए पहली बड़ी भर्ती की बात करते हैं और उस पर गौर फरमाते हैं। तो यहाँ पे पहली भर्ती निकली है कांस्टेबल की, जो कि BSF ने कांस्टेबल की भर्ती यहाँ 2020 के तहत निकाल दी है, और जो पोस्ट रहेंगी वो 25 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। वहीं अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अब जानेंगे कि क्या जॉब लोकेशन है। तो यहाँ पे लोकेशन दी गई है न्यू दिल्ली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और न्यू दिल्ली मतलब न्यू दिल्ली के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि राजधानी है इंडिया की। तो अब क्वालिफिकेशन से पहले, क्योंकि मैं क्वालिफिकेशन के बारे में सभी जानना चाहते हैं, तो अब मैं लास्ट डेट की बात करना चाहूंगी पहले। तो लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2020 है, और आपके पास पूरा ईयर है सोचने के लिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ मार्च चल रहा है, तो वो जो वैकेंसी है वो दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे 10th 12th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो रिसेंट में हुए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और बस ये है कि आपके पास रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपकी जो है मार्कशीट जो यहाँ पे सबमिट होती है, सर्टिफिकेट जो आपका सबमिट होएगा यहाँ पे, उसके बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहले आपके यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा, तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपका पूरा साल है इसकी तैयारी करने के लिए। और जो रिटर्न एग्जाम क्रैक कर लेंगे उनका फिर इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। इंटरव्यू सेशन आप क्रैक करते हो तो आपकी ये जॉब कॉन्स्टेबल की पक्की हो जाती है। तो अब हम आगे बात करते हैं एड्रेस की। तो यहाँ पे लोधी रोड का एड्रेस दे रखा है, दिल्ली का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो चलिए अब हम दूसरी बड़ी वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पे। तो जो दूसरी बड़ी वैकेंसी है BSF की वो है मैकेनिक की, जो कि निकली है सीनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक, सीनियर रेडियो मैकेनिक के अंदर। तो इसी के अंदर बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। तो अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ नंबर ऑफ पोस्ट की, कितनी हैं निकाली गई हैं। तो 81 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है मैकेनिक की, और साथ ही जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली है। और लास्ट डेट की मैं बात करना चाहूंगी तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 है, तो अभी आपके पास टाइम है इसको अप्लाई करने के लिए। वहीं एड्रेस की बात की जाए तो यहाँ पे एड्रेस लोधी रोड का ही दे रखा है, CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। और सिलेक्शन प्रोसीजर पहले रिटर्न एग्जाम होगा, और साथ ही उसके बाद जो एग्जाम में क्रैक करके स्टूडेंट्स बाहर आएंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बिहाफ पे ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए अब मैं आगे बात करती हूँ तीसरी बड़ी भर्ती की, जो कि सब इंस्पेक्टर की है। तो BSF ने निकाली है सब इंस्पेक्टर की भर्ती, और सैलरी पैकेज जो है उसकी बात करते हैं तो पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है 17, और वही सैलरी पैकेज की अगर बात करें तो 35,400 मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे 1,12,400 दी जा रही है आपको हर महीने। तो वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसका पेपर क्रैक करते हैं। तो वहीं जॉब लोकेशन की बात करते हैं अब हम, तो न्यू दिल्ली की जॉब लोकेशन है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 16 मार्च 2020, तो वैसे भी मार्च लग ही चुका है तो बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। तो सोचिए मत, जल्द से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पुलिस में जाएंगे या BSF में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने की। तो अब हम एज की बात करते हैं यहाँ पे, तो 22 इयर्स है मिनिमम और मैक्सिमम है 28 इयर्स। अब मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूंगी तो 200 रुपए है यहाँ पे जनरल के लिए। वही SC ST BSF कैंडिडेट्स एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं दे रखी है,
और अगर आप एक बार इस फॉर्म को फिल करते हैं और आप पैसे सबमिट कर देते हैं, तो आपको पैसे जो है वापस नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए, इस बात पे गौर फरमाते हुए आपको इस जॉब को अप्लाई करना है जो कि सब इंस्पेक्टर की है 2020 में। तो चलिए अब मैं आगे इसी को आगे लेके जाते हैं और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 3 भी हाफ पे दे रखी है। तो यहाँ पे SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप। तो फर्स्ट में एजुकेशन 10th और 12th, यानी कि 12th पास है, और साथ ही आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए सेकंड क्लास मास्टर का, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से या अदर डिपार्टमेंट से। वही SI इंजन ड्राइवर की बात करो तो यहाँ पे भी 12th पास की रिक्वायरमेंट है। वही आपके पास फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज हो इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से या मर्चेंट डिपार्टमेंट से। वही SI वर्कशॉप की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और वही 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल में किया है तो और भी गुड है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। वही जैसे कि मैंने आपको बताया SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप की, तो ये लेवल्स थे, एक पे 5th लेवल, एक पे 9th लेवल और एक पे 3rd लेवल। वहीं अगर हम पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 6 के बिहाफ पे आपको पे मैट्रिक्स यहाँ पे दी जा रही है, जो कि 35,400 है मिनिमम और मैक्सिमम है 1,12,400। तो चलिए अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पे पहले आपका एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो चुने जाएंगे लोग उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ चौथी बड़ी भर्ती की, जो कि BSF ने निकाली है हेड कांस्टेबल की। तो ये जो हेड कांस्टेबल की भर्ती है इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो हेड कांस्टेबल जो होता है वो बनने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा है आपके लिए, आप सुपरवाइजर की तरह पोस्ट पर रहेंगे आराम से। तो चलिए अब हम आगे सैलरी पैकेज की बात, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं पहले, फिर सैलरी पैकेज पे आएंगे। तो 300 यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, तो यहाँ पे बल्क में ये पोस्ट निकाली गई है, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो वहीं अब सैलरी पैकेज की बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे 21,700 से लेके 81,100 पे आपको हर महीने मिलने वाली है। मिनिमम आपका 21,000 साल 21,700 है, वहीं मैक्सिमम 81,100 है। और अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो लोकेशन यहाँ पे न्यू दिल्ली ही दे रखी है। तो अभी तक जो हमने 4 पोस्ट के बारे में बात की है, उन चारों पोस्टों में लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहने वाली है। तो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की, वो भी 16 मार्च 2020 है, तो बहुत कम टाइम रह गया है, आराम से फॉर्म को फिल कीजिए। देन एज लिमिट पे आते हैं। अब तो एज लिमिट 20 है मिनिमम और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम, तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन से पहले फीस के बारे में जानते हैं, क्या फीस दे रखी है। तो 100 रुपए यहाँ पे फीस दे रखी है जनरल वालों के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं SC ST BSF कैंडिडेट्स और एक्स सर्विस मैन के लिए कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आपने फॉर्म भर दिया और इंटरनेट बैंकिंग या जा करके आपने सबमिट कर दी फीस, तो वो रिफंड नहीं होगी। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं आगे। कांस्टेबल की पोस्ट जो कि 2020 में निकाली गई है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में ज्यादातर तो यहाँ पे जो है पोस्ट निकलती है वो 10th 12th बेसिस पे निकलती है, और हम इसी पे ज्यादा प्रमोट करते हैं कि आप 10th 12th वालों के लिए अच्छी सी जॉब हम लगवा सके, या मतलब हमारी वीडियो के जरिए वो जॉब ले सके। तो यहाँ पे 3 टाइप पे पोस्ट निकाली गई है, SC मास्टर, SC इंजन ड्राइवर, SC वर्कशॉप। तो यहाँ पे वर्कशॉप में तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बता रखे हैं कि आप किस में क्या करेंगे। तो पहले मास्टर पे आते हैं। तो यहाँ पे 10th आपकी पास होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप 10th पास नहीं है तो। वहीं आपका इंजन ड्राइवर में भी 10th पास होना चाहिए और सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। वहीं वर्कशॉप की बात करें तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट बता रखी है मैकेनिक में। तो मैकेनिक में आपके डीजल पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिशियन, AC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटर, प्लम्बर, तो आपके इनमें आपके 10th पास है तो गुड है, वरना आपकी जो है इनमें डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बताया भी गया है, आप मेरी वीडियो के स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए अब पांचवी बड़ी पोस्ट की बात करते हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर की है। यहाँ पे तो BSF ने निकाली है सब इंस्पेक्टर की भर्ती।
पांच पोस्ट निकाली गई हैं। गौर फरमाइएगा कि जो लोकेशन है आपकी वो पांचों पोस्टों में दिल्ली दी गई है यहाँ पे। और साथ ही जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 31 दिसंबर 2020। तो आपके पास अभी टाइम है इस जॉब को सोचने के लिए। तो मैंने आपको पांच जॉब बताई है यहाँ पे, पांचों में से जो तीन जॉब है उसके बारे में आपके पास सोचने के लिए बहुत लंबा टाइम मिलेगा। आपको आप आराम से सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, किस पोस्ट में जाना है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं दिल्ली पुलिस में अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे दो पोस्ट ऐसी निकाली गई हैं जिसमें कि आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप जल्दी से उसको फिल कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। और अगर आपको इन जॉब्स में जो कि दिसंबर तक है उसका फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको एक वीडियो बना के दिखा सके कि इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे कर सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो अब हम आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो 10th और 12th पास है, तो एक अच्छा सुनहरा मौका है 10th 12th पास वालों के लिए इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए, अब तक आप मेरी वीडियो के बारे में तो जान ही गए होंगे। तो दोस्तों, पहले तो आप मुझे ये बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे साइड में बेल आइकन का बटन आता है, वो भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको न्यू गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके, आपके दोस्तों को पता चल सके कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है और आप अपने दोस्तों की हेल्प कर सकें।